इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 3.3 टेरिडोफाइट को सिंपल सरल आसान भाषा में समझेंगे, सीखेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग 3.3 टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में हॉस्टाइल एंड फन आते हैं। टेरिडोफाइट मेडिसन और सॉइल बिल्डर के रूप में यूज होते हैं। टेरिडोफाइट सजावटी बोले तो ऑर्नामेंटल पौधे के रूप में भी फ्रिक्वेंटली ग्रो करते हैं। टेरिडोफाइट पहले टेरिस्ट्रियल प्लांट हैं। टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। टेरिडोफाइट कूल, डैम्प व सेडी स्थानों पर होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट सैंडी सॉइल में भी उग सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है, जबकि टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक होती है। टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम व लीव्स होते हैं। इन ऑर्गन में वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। टेरिडोफाइट में स्मॉल लीप को माइक्रोफिल्स कहते हैं, एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। टेरिडोफाइट में लार्ज लीप को मैक्रोफिल्स कहते हैं, एग्जाम्पल है फन। स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजिया होते हैं, जो स्पोरेंजिया लीफ लाइक अपेंजिस द्वारा लटके होते हैं, जिन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें स्टोबलाई या कोन्स कहते हैं, एग्जाम्पल है सिलेजिनेला इक्विसीटम। स्पोर मदर सेल में मियोसिस बोले तो रिडक्शन डिवीजन के द्वारा स्पोरेंजिया स्पोर उत्पन्न करते हैं। स्पोर जर्मिनेट होकर इनकन्सिपिकस अस्पष्ट गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिन्हें प्रोथेलस कहते हैं। गैमेटोफाइट स्मॉल मल्टीसेलुलर मोस्टली फोटोसिंथेटिक और फ्री लिविंग होते हैं। गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प व सेडी प्लेसेस की आवश्यकता होती है। इन स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट तथा फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता के कारण लिविंग टेरिडोफाइट का फैलाव सीमित और नैरो ज्योग्राफिकल रीजन तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है। गैमेटोफाइट में मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया व फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं। एंथ्रोजॉइट बोले तो मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत होती है, जो वाटर एंथ्रोजॉइट को आर्किगोनियम के माउथ तक ले जाती है। एंथ्रोजॉइट आर्किगोनिया में उपस्थित एग से मिलकर जायगोट बनाता है। जायगोट डेवलप होकर मल्टीसेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है। टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होती है। ज़्यादातर टेरिडोफाइट एक तरह के स्पोर उत्पन्न करते हैं और इस तरह के प्लांट को हम होमोस्पोरस कहते हैं। कुछ टेरिडोफाइट दो तरह के स्पोर मैक्रो एंड माइक्रो उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम हेटरोस्पोरस कहते हैं, एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड साल्बिनिया। मेगा स्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं तथा माइक्रो स्पोर जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर वेरिएबल पीरियड तक लगी रहती है। फीमेल गैमेटोफाइट में जायगोट से यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यह इवेंट सीड हैबिटेट के लिए प्रिकर्सर होती है। यह स्टेप इवोल्यूशन में इंपोर्टेंट मानी जाती है। टेरिडोफाइट में चार क्लासेस होते हैं। नंबर वन साइलोपसीडा साइलोटम, नंबर टू लाइकोपसीडा सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, नंबर थ्री स्पिनोपसीडा इक्विसीटम, नंबर फोर टेरिडोपसीडा ड्रायोपटेरिस टेरिस एडियंटम। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के बारे में, जिसमें हम हेडिंग